पहली बात तो अक्षरा को आना नहीं चाहिए, लेकिन हम ऐसे विवाद में ही क्यों पड़े जब आप जान रही हैं कि यहाँ विवादित प्लेस है, विवादित जगह है, पुरानी कहानियां हैं, आपके ऐसी कंट्रोवर्सी में रहती, तो हर वक्त कंट्रोवर्सी में रहना अच्छी बात है क्या? इग्नोर कर देंगे ऐसा क्या? पैसे की भूख भैया की इज्जत जाए तो जाए लेकिन पैसा कमाए, जबरदस्ती उंगली कीजिएगा तो परेशानियां तो बढ़ेंगी ही ना। मुझे लगता है कि मेरी टोटल टीम अगर आएगी तो लगभग सिर्फ टीम से अगर बात करें तो 400 से 500 महिलाएं कल रहेंगी महिला विकास मंच टीम से। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन, मैं हूं आप सबका भाई गौरी संगर। इस वक्त मैं काराकाट क्षेत्र डेरी ऑनसोन में हूँ, जहाँ पे आज हमारे साथ महिला विकास मंच की संरक्षक वीना मानवी जी हैं। मैम, सबसे पहले भोजपुरी नेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं? थैंक यू सो मच। कैसी हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो तो दिख रहा है, क्योंकि अभी वीना मानवी जो कल तक न्याय दिलाती थी, आज ऐसा क्या हुआ जो आज पावर स्टार पवन सिंह जी के लिए हर घर जा रही हैं काराकाट क्षेत्र में और घर घर जाके वोट मांग रही हैं? आज भी यहाँ न्याय ही दिला रहे हैं, सुबह से शाम हो गई, अभी तक 7 पीड़िताएं आई हैं पवन भैया से मिलने और 7 पीड़िताओं को वादा किया है कि 15 से 16 तारीख तक डेहरी के जिस जिस क्षेत्र की महिलाएं हैं जिनके साथ जो परेशानी है या पुरुष के साथ है वहां जाके उनकी काउंसलिंग करके परिवार को सेटल करूंगे किसी को, तो आज भी यहां बैठ के वही काम हो रहा है। पहले क्या होता था, इन तमाम महिलाओं को पटना आना पड़ता था, किसी के पास पैसा है किसी के पास नहीं है, पैसे वाले लोग तो अपना फट से आके मिलते हैं और काम भी हमसे करवा लेते हैं गाड़ी वाड़ी, लेकिन जो गरीब तबके की महिलाएं हैं वो पटना नहीं पहुंच पाती थी, फोन से परेशान होता था। और सवाल है कि हम भी कोई इतने सक्षम तो थे नहीं कि एक फोन पे पूरा का पूरा टीम यहाँ आए और मदद करते रहे, तो एवरीडे कम से कम 6-7 हज़ार का बजट रखेंगे तब ना 6 विधानसभा कवर होगा, तो ऐसे कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहे थे हमें कि जैसे पहले जो लोग रहे, नाम हम नहीं लेंगे, जो लोग रहे उनसे काफी मदद हम लोगों ने मांगी इस क्षेत्र के लिए, लेकिन कभी कोई सीरियस होता नहीं। अरे कोई सीरियस नहीं होता, एक बार बन जाने के बाद ना फिर तो लोग भूल ही जाते हैं। तो एक उम्मीद है कि पवन भैया जीतेंगे और हमारे महिलाओं का और हमारे केसेस का भाग्योदय होगा, और फिर चूंकि एक रिश्ता ऐसा है कि मैं लड़ के भी उनसे काम करवा लूंगी कि नहीं, कमिट किया हुआ था भाई कि जीतेंगे तो आपका ये सब उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारे चीजों के फंड तो आए होंगे ना, तो फंड आए तो गए कहाँ? एक सांसद को 5 करोड़ रुपया सालाना मिलता है, 5 करोड़ रुपया सालाना का मतलब है 5 साल में 25 करोड़ रुपया, उसके हाथ में सारी चीजें होती हैं कि वो छोटे मोटे कार्य अपने क्षेत्र में करवा सके, अपने विधायकों से काम करा सके, अपने विधायकों को प्रेशर दे तो मुखिया सरपंच लेवल पे काम हो, लेकिन नहीं, 25 करोड़ ये लोग गमन किए तो किए या किए तो आप बताइए, हम तो यही पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने किया क्या, जब जिधर जा रहे हैं सब दुखी है तो कुछ तो कार्य हुआ ही होगा इतने सालों में। बिल्कुल। अगर किसी भी क्षेत्र का सांसद स्ट्रांग होता है तो 25 करोड़ क्या, उसके हाथ में तो इतना पावर है कि 25,000 करोड़ का वो डेवलपमेंट करा सकता है अपने एरिया में, क्योंकि विजन होता है, प्लानिंग होता है, कंसेप्ट होता है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे बिहार में आधे से ज्यादा विधायक और मंत्री के पास ना तो विजन है, ना कंसेप्ट है, ना कुछ है, इन लोगों को पता ही नहीं होता है कि काम करना कैसे है, तो ये बताए तो कोई और सुनना भी नहीं चाहते हैं गुरूर में। अच्छा, सांसद होने से पहले ही आपने पावर स्टार पवन सिंह जी के पास केसेस लाना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग आपके पास आ रहे हैं, आप अभी सांसद जी के पास फॉरवर्ड कर रहे हैं भाई इस परेशानी को आप सॉल्व करिए। ना ना, पकड़ नहीं रहे हम उनके पास फॉरवर्ड, उनके पास से हम लेके और करवा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अगर सेल्फी लेने आ रहे हैं, उनके समर्थक आ रहे हैं, उनके दोस्त आ रहे हैं, तो दुख लेके भी तो लोग आ रहे होंगे कि भाई ये हमारे सांसद बनने वाले हैं, मेरा ये तकलीफ है, तो वो सिनेरियो चलना शुरू हो गया है। हवा जो है ऐसा नहीं कि खुशहाली में बदल रहा है कि पावर स्टार है तो सेल्फी, लोग उम्मीद से अपना दुख तकलीफ लेके भी पवन जी के पास आ रहे हैं। बिल्कुल। जनता जो है वीना मानवी पे भरोसा करती है, वीना मानवी की बातें सुनती है सोशल मीडिया पे, आप जो भी बाइट देते हैं और आपकी ही बातें कहे हुए लोग मान भी रहे हैं, और यहाँ पे जैसा माहौल देखने में बन रहा है, यहाँ पे हर जगह पवन सिंह माहौल है, हर जगह लोग पवन सिंह को वोट देने पे 100% लोग कह ले, तो यहाँ से अभी ही जनता मानती है कि सांसद है वो, तो क्या इस पे आप कैसे नजरिए से इस चीज़? नहीं, पॉजिटिव है, देखिए नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और
कोई अगर हम्बल है, दिल का बहुत कोमल है, पवन का दिल जो है रियली बच्चा है। अब तमाम काराकाट की जनता को मैं ये बोलूंगी कि कुछ नेगेटिव वीडियोस भी मैंने सोशल मीडिया पे चलते हुए देखे हैं, तो जहां लाखों लाख की भीड़ होगी वहां एक दो लोगों में धक्का होना वाजिब। पवन जी का हाथ कट गया, पवन जी का पैर टूट गया, पवन जी की चप्पल टूट गई, तो जब पावर स्टार ही घसा फुसटा रहे हैं तो जनता तो धक्के में प्रॉब्लम होगी ही, तो वो कोई आम व्यक्ति नहीं ना है। अभी बाकी के जो लोग हैं उन्हें तो वो कहीं चल रहे हैं, उनके पीछे चार लोग लगते हैं तो जानता है कि अच्छा आप ये हैं, आप यहाँ तक कि बाकी के नेता पीड़ित के पास भी नहीं पहुंचते हैं। और कहा ऐसा जाता है कि लोग कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से आते हैं और उड़ के चले जाते हैं। अब हेलीकॉप्टर से आए चाहे जैसे आए, काम तो उन्होंने नहीं किया है भाई। अब कितना भी गाना गा ले बजा ले उससे क्या फर्क पड़ेगा, आप काम नहीं किए हैं तो नहीं किए हैं, बात खत्म। आपने अगर काम किया होता तो फिर सही होता, आपने तो कुछ किया नहीं। कल के नॉमिनेशन के बारे में वीना मानवी जी का क्या ख्याल है, क्योंकि एक साथ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कई सारे सुपरस्टार आने वाले हैं, अरविंद अकेला, कल्लू, गुंजन सिंह, अंकुश राजा, शिल्पी राज, राजनंदी सिंह, कई सारे विजय चौहान, कई सारे कलाकार आने वाले हैं नॉमिनेशन में। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार है, अब एक बात बताइए कितना बड़ा अपमान है वो तमाम सांसद या जो लोग चल रहे हैं बाजार में अपोजिशन वाले, तो वो लोग कहते हैं नचनिया गवनिया क्या करेगा, उन्हें जरा भी शर्म आती है? आप एक भोजपुरी इंडस्ट्री के गायक को जो मातृभाषा हमारा, मतलब जो हमारा एक नेशनल लैंग्वेज में उसको काउंट किया जाए उसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, भोजपुरी भाषा के जो लोग हैं उनके जो कलाकार हैं उनको आप नचनिया गवनिया से संबोधन कीजिएगा तो भोजपुरी का विकास कैसे होगा? तो यही है बुद्धिहीनता। और ये लोग अपने आप को कहते हैं सांसद, वो खुद भी तो भोजपुरी के कलाकार तो बॉलीवुड में चल जाए, थाईलैंड में चल जाए, वहां नाच गाना करें, उनको थाईलैंड और बॉलीवुड चाहिए। भोजपुरी के कलाकार को नचनिया गवनिया से संबोधन कीजिएगा आप अपने ही बिहार में, तो आपको देश में कोई इज्जत करेगा जी? बिल्कुल। ये लोग क्या है, कहां से पैदा हुए हैं? बिहार से नहीं, लंदन से ऊपर से टपक गए हैं कहीं से। विचित्र स्थिति है, बता नहीं सकते कि स्थिति क्या है और इन लोग का मानसिकता कहां जा रहा है। कल जितने लोग आ रहे हैं उस पर भी विवाद अभी चल रहा है कि पवन जी के स्टेज पे तो बस खाली कला नचनिया गवनिया सवारा का। अरे भाई वो उसी लाइन के व्यक्ति हैं, ऊपर से निर्दलीय हैं, तो उनके पास क्या बीजेपी का लोग आएगा कि आरजेडी का आएगा कि कांग्रेस का आएगा, मंच पे कौन बैठेगा? निर्दलीय है तो उनके अपने फ्रेंड सर्कल के ही लोग बैठेंगे ना, बिल्कुल, जो बिल्कुल। उनके आसपास के लोग हैं, तो ये कॉमन सेंस की बात है। और अगर ये मौका मिला है कि हमारे भोजपुरी गायक कलाकार को एक बार जनता सुने तो ये क्या खराब बात है, कल सुनेंगे, सारे लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है। और अपने कलाकार को हम आगे बढ़ाएंगे, बिहार के कलाकार को आगे बढ़ाएंगे, हम काहे के लिए जाएंगे बॉलीवुड और हॉलीवुड करने के लिए? विपक्ष से कहा जा रहा था कि अक्षरा सिंह भी आ रही है, तो वीना मानवी जी का मैंने एक बयान सुना था, अगर अक्षरा सिंह आएगी तो मैं भी ज्योति सिंह को उतार दूंगी। अक्षरा सिंह आएगी तो देखो ऐसा है कि पहली बात तो अक्षरा को आना नहीं चाहिए, विवादों में हमेशा बेचारी घिरी रहती है, और महिला होके हम भी नहीं चाहते किसी महिला का अपमान हो, लेकिन हम ऐसे विवाद में ही क्यों पड़े जब आप जान रही हैं कि यहाँ विवादित प्लेस है, विवादित जगह है, पुरानी कहानियां हैं आपके, ऐसी कंट्रोवर्सी में रहती, तो हर वक्त कंट्रोवर्सी में रहना अच्छी बात है क्या? इग्नोर कर देंगे ऐसा क्या, पैसे की भूख भैया की, इज्जत जाए तो जाए लेकिन पैसा कमाए। आए तो आए, कंगना जी आए अपना डांस गाना करके जाएंगी, वो लोग भी तो नचनिया गवनिया को भेज रहे हैं, तो हमारे पवन भैया ऐसा क्या, वो तो भाई उसी लाइन के हैं, क्या करेगा आदमी बताइए। नहीं अक्षरा सिंह जी एक बार आई भी थी काराकाट क्षेत्र में मॉल का ओपनिंग करने में, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो चप्पल खोल के खाली नंगे पैर भागी थी वो, ऐसा कहा जाता है। हाँ जबरदस्ती उंगली कीजिएगा तो परेशानियां तो बढ़ेंगी ही ना। अब आप जबरदस्ती चाह रही हैं कि ऐसा हरकत हम करें, तो किसी को भी इस तरह के कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए, गलत है। आखिरी सवाल रहेगा, कल वीना मानवी भी नॉमिनेशन में जा रही हैं, क्या कैसा माहौल होने वाला है, कितनी महिलाएं वहां पे पहुंचेंगी, क्योंकि आप महिला विकास मंच के संरक्षक भी हैं। देखिए इस क्षेत्र में लगभग अभी देखिए हमारी वो गोव की अध्यक्ष आके बैठी हुई है, थोड़ी देर पहले हमारी विक्रमगंज रोहतास की अध्यक्ष गई है, तो इस क्षेत्र में महिला विकास मंच की जितनी अध्यक्षाएं हैं सब अपना अपना भाई जो टीम है वो लोग तो लेके पहुंचेंगी। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मेरी टोटल टीम अगर आएगी तो लगभग सिर्फ टीम से अगर बात करें तो 400 से 500 महिलाएं कल रहेंगी महिला विकास मंच टीम से। बिल्कुल एकदम महिलाओं का फुल समर्थन पावर स्टार पवन सिंह जी को, बोलने की जरूरत ही नहीं है,
बिल्कुल वीना मानवी जी खुद कह रही हैं और आप मेहनत भी कर रही हैं, और जनता के लिए क्या कहेंगे, और आदरणीय सांसद श्री पावर स्टार पवन सिंह जी के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए बस कर्मठ बनिए, आगे बढ़िए, नेगेटिविटी पे ध्यान मत दीजिए, और जनता के लिए कहेंगे कि नेगेटिविटी पे ध्यान मत दीजिए, हवाएं जो चल रही हैं उन हवाओं को चलने दीजिए, आपकी जो हवा है वो हवा बरकरार रहेगी, हवा पे ध्यान रखिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ वीना मानवी जी थी काराकाट क्षेत्र से, धन्यवाद।